नमस्कार, हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पार्सल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन जो है बेहतर है, शुभ है। और मेरे पास इंक्वायरीज एक बहुत ज़्यादा आ रही है, वो ये है कि सर, मेन कैंपस के आसपास रहने के स्थान तो आप बता रहे हो BHU के, लेकिन BHU के जो एफिलेटेड कॉलेज के बच्चे हैं वो कहाँ पर जाके रहेंगे? चाहे MPG हो गया, RGSC हो गया, VCM हो, VKM हो गया, VCW हो गया, DAV हो गया, इन सब कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ जाके रहेंगे? तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे और आप सभी लोग को 5-6 पॉइंट्स में अच्छे समझाऊंगा, उसको ध्यान देना है और आप उसको अगर फॉलो करते हो तो आपको रूम ढूंढने या रहने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये मैं आपको बता दूं कि एफिलेटेड कॉलेज के आसपास, जिस तरीके से BHU मेन कैंपस के आसपास अवेलेबल है रहने के स्थान, उसी तरीके से वहां पे भी है। हॉस्टल 30% लोग को मिलता है, लेकिन एफिलेटेड कॉलेज में हॉस्टल किसी किसी में है, किसी किसी में नहीं है। किसी किसी में है भी तो हॉस्टल इतना ज़्यादा महंगा है, आप बिलीव नहीं करोगे। VCW की बात करें, वहाँ पे 65,000 से 80,000 रुपये का हॉस्टल है एक साल का। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एफिलेटेड के हॉस्टल्स कितने महंगे हैं। ऐसे में रहने के सबसे अच्छे स्थान कहाँ पे हैं? तो वहाँ के आसपास जो PG है, जो लॉज है, जो रूम है, वहाँ पे रहने के लिए अच्छा स्थान है। अब आपको मिलेगा कैसे वो, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी कॉलेज का रूट है, वहाँ पे जो शॉप हैं, जो दुकानें हैं, चाय पान की दुकान, जनरल स्टोर की दुकान, मेडिकल की दुकान, उन लोग अपने यहाँ लिस्ट रखते हैं आसपास लॉज का। आप जाओगे, टिक करके बताएंगे यहाँ पे रूम खाली, यहाँ कॉन्टेक्ट कर लो, नंबर भी दे देंगे। वैसे इस वीडियो में आपको इतना ही बता रहा हूँ कि अगर कॉलेज ओपन होने लगता है या जैसे ही ओपन होने के पूरे उम्मीद दिख जाती है, तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा जिस वीडियो में एक 2-3 नंबर प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप कॉल करके डायरेक्टली लॉज रूम वगैरह अपने आसपास ले सकते हो। यहाँ पे एक और इंक्वायरी मेरे पास आ रही है कि सर, हाइब्रिड मोड में क्लास लीजिए, क्लास चालू कराने की कोशिश करवाइए BHU में, क्योंकि BHU टोटली ऑफलाइन ओपन हो चुका है। ऑनलाइन कुछ लोग एक सेमेस्टर का रखा गया, यानी जो फर्स्ट बच्चे हैं PG और UG के, लेकिन अब यहाँ पे जो सेकेंड ईयर बच्चे और जो थर्ड ईयर बच्चे हैं उनकी इंक्वायरीज आ रही है कि प्लीज़ क्लासेस को हाइब्रिड मोड में रखवाया जाए। इसके लिए हम लोग अभी अपनी टीम से बात विमर्श करेंगे। कल तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊँ जिसमें ये बात मैं अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा कि क्लासेज हाइब्रिड मोड में रखने के क्या फ़ायदे नुकसान है और उसको हम लोग प्रशासन से किस तरीके से मनवा सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, चाहे UG के चाहे PG के, उनके कॉलेज को ओपन कराने की जो मुहिम हमारी चल रही थी वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ट्विटर का, उस पर जाकर आपको रिट्वीट करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग को अब समस्या हो रही होगी तो अब वो समाधान हो चुकी होगी। हम लोग बड़े शानदार से लोकेशन पे है, ये पड़ता है आपका बनारस के बॉर्डर पे है ये, और ये बिंद श्रेणी है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बिंद श्रेणी, तो ये बिंद श्रेणी में आता है। अगर आप लोग भी इस रूट से अगर गुजर रहे हैं तो आप लोग जरूर एक बार घूमें इधर। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इधर के लोकेशन का ड्रोन व्यू चैनल पे डाल दूंगा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा ड्रोन व्यू, ठीक है, पूरा ऊपर से कैसा आसपास का घूमने के लिए। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। मुस्कुराना बिल्कुल ना बोले। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।